उरी हमले पर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ चुप्पी साधे हुए हैं। यूएन जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे नवाज शरीफ से जब उरी हमले पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने पत्रकारों के सवाल को अनसुना कर दिया और फिर हाथ उठाकर जवाब देने से ही इनकार कर दिया। नवाज के इनकार के बाद उनके साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों को रोक दिया। वहीं शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने भी कोई सवाल सुनने से इनकार कर दिया है। वह अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वहीं एक तरफ जहां शरीफ उरी हमले पर मौन रहे तो वहीं कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान फिर मुखर नजर आया। नवाज शरीफ ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से मुलाकात कर कश्मीर मसले पर दखल देने की मांग की है। पाक पीएम ने कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव को खत्म करने के लिए अमेरिका को दखल देना चाहिए। वहीं भारत ने उरी हमले को लेकर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरना शुरू कर दिया है। मुंह में राम बगल में छुरी, पाकिस्तान की ये रणनीति दुनिया के सामने आ चुकी है और अब दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। देखते रहिए टीवी लाइव।